हेलो एवरीवन, आज हम अपर बॉडी वर्कआउट कम स्ट्रेचिस करने वाले हैं, लेकिन विदाउट एनी प्रॉप। बाहर की कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इनिशियली स्टार्ट नेक स्ट्रेचिस, शोल्डर स्ट्रेचिस, रिस्ट, सारे स्मॉल स्ट्रेचिस करने के बाद ये करना है। मेरे जो सॉफ्ट स्ट्रेचिस के जो वीडियोज़ है उसको आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आज अभी हम सीधा करेंगे थोड़ा हाई ऑन एनर्जी के लिए स्ट्रेचिस कम वर्कआउट, यू कैन से इट। सो वी विल स्टार्ट विथ वन हैंड, स्टार्ट विथ हैंड स्ट्रेचिस। एक हाथ को घुमाइए, 8 to 10 रोटेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फुल स्पीड में और फुल रेंज से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा हाथ और शोल्डर जॉइंट के ऊपर अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ज़्यादा रुकना नहीं है। थोड़ा पल्स फास्ट होगा या स्वेट होगा तो दैट इज़ ओके। मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ साथ में, चेस्ट और अपर बैक इन्वॉल्व होगा। एक हाथ से करेंगे तभी, हाथ का स्ट्रेचिस है चेस्ट अपर बैक इन्वॉल्व होने के लिए। यहाँ हाथ टच हो जाए उतना और वाइड ओपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम रिवर्स, ऊपर हाथ टच हो जाए उतना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक स्ट्रेच करेंगे हाथों के लिए। हाथ का एनर्जी बढ़ेगा तो हाथ का जो जो होल्ड वाले आसन है वो भी सब इजी होगा। अभी ब्रेन माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व करने के लिए एक हाथ आगे एक पीछे उस तरह से करेंगे, तो 1 अदर हैंड 2 अदर हैंड 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको। एक दो रोटेशन प्लस माइनस होने के बाद रिदम मिलेगा, दैट इज़ ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी हमने खाली मेजर ये जॉइंट के ऊपर ही वर्क किया है। देयर आर एंड नंबर ऑफ स्ट्रेचिस, तो वो जब भी आप एक्चुअल क्लास किसी के भी साथ करते हो तो आपको इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। अभी करेंगे लेटरल साइड का स्ट्रेच होगा, साइड्स को भी खिंचाव मिलेगा, स्पाइन भी स्ट्रेचिंग हो जाएगा। 1, 2, 3 ईच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें और आगे लीन नहीं होना है, खाली लेटरल स्ट्रेच बनाए रखना है। 8, 9, 10 सेम अदर साइड, एल्बो स्ट्रेट रखना है और जितना साइड का खींचा हुआ है उतना जाने की कोशिश करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज हम वार्म अप की तरह स्ट्रेचिस कर रहे हैं, तो इसके होल्ड आज नहीं कर रहे हैं, तो रिपीटेशन के ही स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो इसको और एक बार करेंगे पैर खुला रखते हुए, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री टर्न होगा, हिप जॉइंट और आर्मपिट जॉइंट एक लाइन में स्लिपिंग लाइन की तरह होगा, उतना आपको जाना है। हाथ पीछे या आगे रख सकते हैं, एक बार पीछे रख के आई एम शोइंग, ट्राई गोइंग 90 डिग्री, 1, 2, 3 हाथ कान के ऊपर रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथ पीछे या आगे, आगे भी रख सकते हो इस तरह, 1, 2, 3, 4 घुटना मोड़ना नहीं है, 5, 6, 7,
8 9 10। पैर खुला ही रखिए, साइड का बेंडिंग का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा। हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर, राइट हैंड, और लेफ्ट टू राइट कीजिए। एक बार लेफ्ट चाहिए, एक बार राइट चाहिए। 2 3। पीछे हाथ के एल्बो की तरफ नज़र जाएगा। अपर बॉडी ट्विस्ट ले रहे हैं हम, पूरा रोटेशन नहीं ले रहे हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। 9 10। अभी हम करेंगे वन मोर स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। तो साइड से मैं भी आपको ज़्यादा बराबर समझ में आएगा। फॉरवर्ड जाइए, बैक जाइए। 1 2 3। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करें। ऐसे ले सकते हो, इसे खींच सकते हो। 1 more इन द सीक्वेंस। बेली स्ट्रेच भी आएगा, कमर को यहाँ साइड तक भी स्ट्रेचिंग होगा। रोटेशन से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कमर का और भी बढ़ेगा, और हाथ उठाए रखते हैं तो ऑलमोस्ट फुल बॉडी स्ट्रेच लगेगा। हाथ ऊपर खींच के रखें, ऊपर हाथ को सीधा ही रखें, और ऊपर जितना बड़ा सर्कल होता है इस तरह से कीजिए कि कमर को घुमाना पड़े सर्कल बड़ा करने के लिए। 2 तो पेट का और कमर का खींचाव है, पर हाथ गोल घुमा रहे हैं उस तरह दिख रहा है। जितना आगे आएगा जितना लेफ्ट राइट, बैक भी जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से करने में जिनको डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो जो पॉपुलर है इसी तरह से रोटेशन कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। तो आज के लिए इतना बस है। 5 to 6 अपर बॉडी स्ट्रेचेस लिए हमने शॉर्टली, लेग स्ट्रेचेस और वार्म अप और हाई ऑन एनर्जी जिसमें लगेगी ऐसे लेग के भी मैं वीडियो शॉर्टली आई विल पोस्ट। सो स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।